एक ब्लॉग में दिखाए थे कि यहाँ पर मुझे प्रैक्टिस वगैरह करना है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके लेने के लिए आए थे, तब तो देखा कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया था। गुड इवनिंग गाइस, तो कैसे हो आप लोग सब? अभी बज रहा है शाम का 5 और आज है आपका संडे। तो लास्ट टाइम इको पर गए थे तो अब इवनिंग का जो व्यू होता है एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, तो आज सोच रहा हूँ कि क्यों ना थोड़ा आज इको पार्क जाते हैं और इवनिंग में इको पार्क लाइट में कैसे लगता है वो थोड़ा देख के आते हैं। तो अभी निकल रहे हैं इको पार्क के लिए और लगेगा आधा घंटा तो पहुँच जाएंगे 5:30 के अंदर और देखते हैं इको पार्क का नाइट व्यू कैसे लगता है। चलो तो निकल पड़े घर से और फिलहाल कैब बुक कर लिए, तो कैब वेट कर रहे हैं तो कैब लेते हैं और फिर जाते हैं। तो अभी निकल पड़े, तो अभी हो गया आपका शाम का 5:10 और रास्ते में बिल्ली भी कट के चला गया, तो ये तो कोई कोई मानते हैं कोई कोई नहीं मानते हैं फिर भी। तो हाँ, पहुँचते हैं इको पार्क और आप लोगों से मिलते हैं। और ये जो रोड है आपका कृष्णपुर मेन रोड, ये बहुत बिजी रहता है हर वक्त, तो उस रोड से ही हम लोग अभी जा रहे हैं सेंट्रल मॉल। और यहाँ पर बोई मेला भी शायद स्टार्ट हो गया है, लेट्स सी। तो आज आएंगे तो इको पार्क से निकलकर यहाँ पर बुक फेयर जो चल रहा है इसमें जाते हैं। वाला ये आपका ईस्ट टू वेस्ट जो मेट्रो स्टार्ट होने वाला है अभी, सॉरी ये ऑलरेडी हो गया शायद, तो हाँ उसका नवोटेल के सामने जो स्टॉपेज है तो वही है। तो ये आ गए आपका विश्व बंगला गेट और ऊपर एक रेस्टोरेंट भी आप देख सकते हो। तो आएंगे एक दिन और देखेंगे क्या मिलता है और कैसे व्यू होता है ऊपर से। जितना भी बोले कि डिटेल में वीडियो नहीं बनाएंगे रास्ते में, पर कुछ कुछ चीज़ तो नज़र में आ ही जाता है और उतना कैप्चर भी कर लेता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। तो जैसे कि बोला कि अच्छा वहाँ पर जाके ही वीडियो बनाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, तो देखते हैं एडिटिंग के टाइम पर इधर उधर कर देंगे। तो फिलहाल पहुँचने वाला हूँ इको पार्क, गेट नंबर 1 क्रॉस करके गेट नंबर 2 तरफ जा रहे हैं अभी, तो मिलते हैं वहाँ पर। सो गाइस, इको पार्क का नाइट व्यू देखेंगे बोले थे, तो ये है आपका नाइट व्यू पूरा पपट। तो बेसिकली इको पार्क बंद है, तो यहाँ पर कोरोना के लिए अभी बंद है। मैं सोचा था कि शायद तो खुला रहेगा पर ऐसा नहीं है, तो फिलहाल इको पार्क तो है बंद। तो जैसे कि रास्ते में देखा कि वहाँ पर बुक फेयर चल रहे तो अभी इको पार्क को छोड़ के निकल रहे हैं बुक फेयर की तरफ। तो दिल टूट ही गया लग रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह से। जब निकले थे घर से बहुत एनर्जी लेकर निकले थे कि जाएंगे वीडियो वगैरह बनाएंगे नाइट व्यू में, थोड़ा वहाँ पर घूमेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं बुक फेयर की तरफ। रास्ता क्रॉस करने के लिए अभी सबवे ले रहा हूँ, तो सबवे देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, क्लीन नीट एंड क्लीन एक तरह से। से निकल कर आ गए आपका रोलर स्केटिंग रिंग, जो लास्ट एक ब्लॉग में दिखाए थे कि यहाँ पर मुझे प्रैक्टिस वगैरह करना है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके लेने के लिए आए थे, तब तो देखा कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हो गया था। तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह अभी चल रहे हैं, सो बच्चे लोग यहाँ पर कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो देखते हैं और फ्रंट कैमरे में दिखाते हैं तो कैसे लग रहे हैं।
यहाँ पर फिर से चला आए, बेसिकली बुक फेयर चल रहे हैं यहाँ पर, तो बुक फेयर में ही आए थे और वहाँ पर थोड़ा घूमेंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह देखने को मिल गया, तो आप लोगों को भी थोड़ा दिखा दिया कि प्रैक्टिस सेशन कैसे होता है यहाँ पर। तो यहाँ से अभी जाएंगे बुक फेयर, तो सामने ही बुक फेयर चल रहा है आप देख सकते हो, तो वहाँ पर जाते हैं और आप लोगों से मिलते हैं। And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. सामने है डिफाइन पब्लिकेशन का, और इधर भी आप देख सकते हो बहुत सारा स्टॉल है जो बेसिकली यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट वगैरह और सामान वगैरह जो बिक रहा है उसका स्टॉल दिया हुआ है। और उस साइड पर भी है कुछ स्टॉल जहाँ पर खाना वगैरह भी मिल रहा है। तो फिलहाल आप लोगों को दिखाता है कि यहाँ पर स्टॉल में कितना भीड़ वगैरह है और लोग जो है क्या क्या खरीदारी वगैरह कर रहे हैं। तो लेट्स सी, तो जाते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। तो हाँ, तो यहाँ पर आए तो नॉर्मली मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि बुक के साथ पढ़ रहता हूँ, और इतना भी फ्रंट भी नहीं हूँ। फिलहाल यहाँ पर आए तो ये वाला बुक मुझे दिखा, तो इसको ही थोड़ा आज लेके जाएंगे और देखते हैं। तो प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, पर जब आए तो कुछ तो ना कुछ तो लेके जाएंगे यहाँ से। तो बिलिंग वगैरह हो गया और एक ही बुक लिया फिलहाल, तो ये लेके घर जाते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ इस बुक स्टॉल के सामने, तो उधर दिखाया था वुड पैकर, तो यहाँ पर एक सोइबा प्रोकाशन जो बंगाली प्रोकाशन है, और इधर है आपका हार्पर कॉलिंस पब्लिकेशन। तो बंगाली जो कलेक्शन है वहाँ पर थोड़ा जाते हैं और देखते क्या मिल रहा है वहाँ पर। आज तो है आपका संडे, तो यहाँ पर स्टॉल वगैरह जो भी है यहाँ पर मैं ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं देख रहा हूँ। तो इधर प्रोग्राम वगैरह भी चल रहा है पीछे, और इधर जो स्टॉल वगैरह है यहाँ पर अभी थोड़ा देख के आते हैं। ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं है, लोग तो है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि स्टेज बनाया हुआ है, तो यहाँ पर बेसिकली रिसाइटेशन वगैरह कर रहे हैं, चल रहा है आपका लास्ट 2-3 घंटे से यहाँ पर चल रहा है। तो वन बाय वन हर कोई अपना कविता वगैरह यहाँ पर सुना रहा है। तो ये जो बुक फेयर है ये स्टार्ट हुआ है आपका 28 जनवरी, और ये चलेगा 6 फरवरी तक। तो आप लोगों को अगर आना है और यहाँ पर देखना है क्या क्या कलेक्शन है और थोड़ा घूमना भी है, तो आप लोग आ सकते हो। तो फिलहाल थोड़ा सामने जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और थोड़ा सुनते हैं। একটি ছোট্ট মাটির ভারত আছে, মাটির দেওয়াল ঘর আছে, খড়ের চাল আছে, তাতে ভাঙা হাঁড়ি ঝোলে, তাতে কত পায়রা দোলে। আমার ঘরে ডালিম গাছে পেয়ারা আম লিচু আছে, দারাখ জাম আছে, তাতে খেজুর গাছ আছে, দুকান্দি খেজুর চলে চলে এসো আমার ঘরে,
পূর্ণিমার উঠোনে জ্যোৎস্না রাতে বান ডাকে আধার জোছনা মিলে কতই তার ছবি আঁকে। আরে নানির নানি তোষ নানির সুজনিয়ার নকশি কাঁথা বাপের নানার বড় দাদুর সোন পাকানো ঢেরা আছে গাড়ি তেলানোর পাটু আছে পুরনো সব তেঁতুল আছে মিনি পড়া মাছ আছে পথের পাশে ডোবা আছে তার ভিতরে কুচো চিংড়ি হাত বুলালে এক বদনা কুড়ুকুড়োর শাক আছে আড়া চাল আছে পিঠে খাবার ঢেকি আছে মুড়ি ভাজার হুল্লা আছে বিশ্বাস করো এমন নাকি এখনো গা বেঁচে আছে আমার গায়ে একটি ছোট্ট মাটির মতো ভারত আছে। চলে এসো, নমস্কার। ধন্যবাদ কবি আয়েশা খাতুনকে। এবার থেকে বলি গল্প কথায় আমার কামদুনির মা। সে ছিল এক সাহসিনী মেয়ে, স্বপ্ন ছিল তার অনেক বড় হবে। সে পড়ছিল ইউনিভার্সিটিতে, সেদিন অটো রাস্তার মোড়ে ঠিক সন্ধ্যায় ওই মদ্যপ যুবকগুলো ঝাঁপড়ে পড়েছিল ওই মেয়েটার গায়ে। এই সাহসিনী মেয়েটা থাকতে পারেনি চুপ, ও দিয়েছিল এক থাপ্পড়। তারপর শীতার্ত সন্ধ্যায় কোন একদিন সেই মেয়ে আসছিল ফিরে ইউনিভার্সিটি থেকে, ঘাড়ের কাছে গরম নিঃশ্বাস, দেখবার ছিল না অবকাশ। এক মুহূর্তে ওরা ওকে টেনে নিয়েছিল পাশের গুদুটিতে। মেয়েটা জুষেছিল, মেয়েটা রক্ত ঝরিয়েছিল, মেয়েটা চিৎকার করিয়েছিল, কিন্তু শুনতে পায়নি কেউ। ওরা তখন বন্য হিংস্র রক্তাক্ত, ওকে ওরা করছিল ক্ষত বিক্ষত। চিৎকারিতে কাঁদল মেয়ে, শুনল না তো কেউ যে। অনেক রাতে ভাইটি ওর খুঁজে ফেরে, দেখতে পায় পড়ে আছে দিদির ব্যক্তি যে। আরো অনেক রাত ওরা দেখতে পেল মেয়েটির রক্তাক্ত দেহ নিষ্প্রাণ। পরদিন পরদিন মিটিং মিছিল রং বেরং, সংবাদ মাধ্যম জোর কদম, দূরদর্শনের সাক্ষাৎকারের পর সাক্ষাৎকার। আর ঠিক তখনই মেয়েটার মৃতদেহে হচ্ছিল সৎকার। আসল উচ্চারণ দেবে ক্ষতিপূরণ, মেয়েটার ভাই না করল উচ্চারণ। এখন সবাই গেছে ভুলে, কিন্তু ওর কামদুনির মা রাত ভর জেগে থাকে আর ডাকে, আয় ফিরে আয় আমার শূন্য বুকে, আমার সাহসিনী মেয়ে আমি আছি জেগে তোর জন্যে, আয় ফিরে আয় আমার সাহসিনী মেয়ে। কেউ শোনে না তার কান্না, সে কেঁদে ফেরে সে যে কামদুনির মা। तो अभी इस बुक फेयर से निकल रहा हूँ, तो और एक इन्फॉर्मेशन है, ये ओनली बुक फेयर नहीं है, ये आपका 6th नेशनल पोएट्री सम्मेलन जो होता है तो वो भी है। तो बुक फेयर के साथ साथ यहाँ पर रिसाइटेशन वगैरह भी चल रहा है, तो जहाँ पर बैठे थे आप लोगों को दिखाया। तो हाँ, तो निकलते हैं यहाँ से अभी और फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में।